राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के चिक्कलवास कला में दलित युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दलित युवक सुरेश कुमार सालवी को देवगढ़ थाने से न्याय नहीं मिलने पर सालवी समाज के बड़ी संख्या के लोगों ने राजसमंद जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित युवक सुरेश कुमार सालवी ने कहा कि उसके साथ गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट देवगढ़ थाने पर की गई, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आए दिन जितेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। आए दिन अलग अलग मोबाइल नंबर से उसके पास धमकी भरा फोन आ रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन से शिकायत और मामला दर्ज करने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिल रही है। वहीं सालवी समाज के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र नागर ने कहा कि समाज के युवक सुरेश को उसके ही गांव के लोगों ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, उसके साथ मारपीट की गई, जिसकी रिपोर्ट देवगढ़ थाने पर की गई, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। यदि अब जल्द इन्हें न्याय नहीं मिला तो गांव के सभी समाज जन के साथ कलेक्ट्री में धरना देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नाम सुरेश, पिताजी नाम रामलाल जी है और हमारे साथ में मारपीट और झगड़ा हुआ और ये इसके पास में गन वन की और धमकी दी हुई, गच्चे की चाहे गोली उतार देंगे। किसने दी धमकी? जितेंद्र सिंह। फिर अभी भी सर गाली गलौज कर रहा है, जातिवाद कर रहा है, पिस्तौल बचाता है, नंबर से फोन कर रहा, बार बार धमकी दे रहा। रात 11 बजे 1 बजे तक परेशान किया हमको, और कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। किस थाने में लिखो? देवगढ़ भीम दोनों थाना में लिख रहे। देवगढ़ थाने में कोई कार्रवाई नहीं करी क्या पुलिस वालों ने? हाँ सर, कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई है। अभी यहाँ पे क्या कहा एसपी साहब से मिलना है? क्या कहा सर ने? बोला कि उनको अरेस्ट करेंगे अभी जल्दी से जल्दी। आज हम सभी लोग समाज के करीब 200-500 लोग इकट्ठे होकर एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। प्रकरण ये है कि हमारे समाज के ठिकरवास गांव में सुरेश चंद्र और इनके परिवार के साथियों के साथ में जातिवाद सूचक शब्दों से अपमानित किया एवं बंदूक से धमकाया इनको और घर से बाहर निकाल कर मारपीट की। उसकी पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई, इसलिए आज एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं। आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दिलाने की हमारी मांग है। अगर 3 दिन के अंदर, आज ज्ञापन में यही 3 दिन के अंदर अगर हमारी मांगे या अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम एक बड़ा आंदोलन का रूप देकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई ऐसी नहीं घटना होती है तो हमारे वहाँ पे समाज के जितने भी दलित कम्युनिटी के घर हैं वो सब के सब गाँव छोड़कर, क्योंकि हमें सुरक्षा मुहैया नहीं हो रही है वहाँ पर, हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम सभी लोग वहाँ से पूरा गाँव घर बार सब खेत बाड़ी छोड़ छोड़ा कर कलेक्टर ऑफिस के सामने आके यहाँ पर निवास करेंगे हम। और जब तक हमारी सूचना नहीं होगी यहाँ से उठेंगे नहीं। गांव में इतना भय का माहौल है कि हम आज वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल है।